Sarvendra, you made it. ऑल राइट, हे गाइज, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है सार्वेंद्र और मैं यहाँ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी रिलेटेड ट्यूटोरियल पोस्ट करता हूँ, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं मेरा प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे। यहाँ मैंने अमेजिंग मैनिपुलेशन डाली है स्क्विड गेम 2 की, आप लेटेस्ट चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ 17,000 लाइक आ गए हैं एंड थैंक्स अलॉट। आप सबने इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है पिछले के कंपैरिजन में और लोगों ने कहा था कि ट्यूटोरियल जल्दी पोस्ट करो, तो जल्दी ही है, बस एक दिन लेट हो गया है। और सारी PNG डिस्क्रिप्शन में है, जो भी स्क्विड गेम लिखा हुआ है, रिम लाइट, सारा बैकग्राउंड, ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन करना टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक है उसमें, आप PNG डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो मेरी वेबसाइट का भी नीचे लिंक है, आप उस पर जाके मीडिया फायर से डाउनलोड कर सकते हो चीज़ें, जिप फाइल होगी, विनरार से ओपन हो जाती है, आप ज़रूर कर सकते हैं। सो यहाँ आ जाते हैं हम पिक्सार्ट के अंदर जल्दी से। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बहुत सारे अमेजिंग ट्यूटोरियल आने वाले हैं, आफ्टर इफेक्ट्स के भी ट्यूटोरियल आने वाले हैं जैसे आप वेट कर रहे हैं। मैं बहुत अमेजिंग जैसे आई का होता है वो भी डालूंगा, सो उसको भी ज़रूर चेकआउट करना आप। तो यहाँ मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, सो यहाँ ये बैकग्राउंड पहले लोड कर लेते हैं हम। सो कोई गैस कर रहा हो कि यहाँ पे ये स्क्विड गेम 2 ऐसे क्यों लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है कि यहाँ पे स्क्विड गेम 2 को मैंने 3D लुक देने के लिए कोशिश करा था कि जो टेक्स्ट है उसके 3D लगें, थोड़े से ऐसे बस चिपकाए हुए ना लगें, तो इस चीज़ के लिए मैंने करा था, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ज़रूर चेकआउट करना आप। अब इसके बाद ऐड करते हैं अपने आप को, बहुत बेटर रहेगा। सो यहाँ आ जाते हैं हम ऐड में, सो यहाँ परफेक्टली बिल्कुल सेट हो चुका है और यहाँ से हम डन करते हैं। अब उसके बाद हमें ऐड करने हैं फ्रंट वाले जो एक्सबॉक्स के कंट्रोलर की तरह दिखने वाले स्क्विड गेम्स के जो एनिमी बनते हैं, तो इसे भी ऐड करते हैं फटाक से हम। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो रखा है। अब इसमें हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, जैसे मैंने अपने आप को सेंटर में डाल रखा है, तो आप भी अपने आप को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं इसमें। सो ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वहीं प्लेस करना है जहाँ मैंने करा है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट को थोड़ा अच्छे से बिल्कुल कि लगे, हाँ भाई, तो यहाँ मुझे ये सही लग रहा है, ठीक है। अगर इशू होगा तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर का ग्लिच होगा, मतलब हल्का फुल्का, तो इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं सोचते इतना। फिर ये नंबर 2 वाला जो ग्ले क्या कहते हैं ग्लो है, इसको हम करेंगे और स्क्रीन मोड में करना है, और यहाँ आप देख सकते हैं वो अब ग्लो होने लग गया है। अब बाकी चीज़ है, अगर आपको रिम लाइट ड्रॉ करनी आती है तो आप रिम लाइट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं आती है तो आप PNG उठा के रख भी सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा फिर आपके केस में, क्योंकि मैं सारी चीज़ें और कई लोगों को यार PNG समझ नहीं होती है, तो इसलिए मैं ये सेंड कर देता हूँ। तो जैसा भी आपके केस में आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको रिम लाइट ड्रॉ नहीं करनी आती है तो मेरा फोटोशॉप में ट्यूटोरियल है और पिक्सार्ट में भी है, मैंने बता रखा है बहुत पहले, तो आप ज़रूर चेकआउट करें। तो यहाँ ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गई है, लेकिन अभी स्क्विड गेम के ऊपर जो होता है ना, यहाँ पे लाइक ऊपर की साइड पे यहाँ आप देख रहे होंगे कि वो फील नहीं आ रहा है कि जैसे कि यार यहाँ ग्लो हो रही है चीज़, तो उसके लिए हमें एक ओवरले डालना होता है। तो ये है ओवरले, बस आपको इसको ऐसे उठाना है और ये बस एक सिंपल टाइप सी लेयर है, अगर आप देखें तो ये ऊपर ऐसे रखते हैं, थोड़ा बहुत ही रखना है इसको, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा ऐसे सेट करके कहीं पे भी। और इसका ब्लेंड मोड आपने चेंज करना है, ओवरले में भी सही लगता है या आप स्क्रीन भी कर सकते हैं, ओवरले थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ इसको ये कर देते हैं डन। तो यहाँ हमारा स्क्विड गेम का ये वाला कंसेप्ट तो पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें जो कलर ग्रेड है वो थोड़ी सी मैंने चेंज करी थी, तो इसके लिए आ जाते हैं जल्दी से ह्यू में, और ह्यू से इसको थोड़ा रेड कर देते हैं हम,
क्योंकि मेरा कंसेप्ट रेड में था थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो गया है रेड का। और अब क्लैरिटी मैंने इंक्रीज़ करी थी क्योंकि मेरे को क्लैरिटी इसमें चाहिए थी एंड शार्पनेस भी इसमें बहुत चाहिए अभी मेरे को। तो यहाँ से पहले कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट हम सेट कर लेते हैं, बाद में जाएंगे उस साइड। टेम्परेचर आप देखें थोड़ा माइल्ड रखें, कोल्ड की तरफ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ ये हो चुका है, अब इसके बाद दोबारा आते हैं और हमें चाहिए अब थोड़ा सा एनहेंस करके देखते हैं इसे। एनहेंस में तो ख़राब ही लग रहा है, मज़ा नहीं आया एनहेंस में जैसा आना चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट। एडजस्टमेंट में भी सही है लेकिन इसी में ही चेक करते हैं, कुछ और लेंस फ्लेयर ऐड करते हैं इसमें, थोड़ी अच्छी लगेगी लेंस फ्लेयर, देखते हैं थोड़ी डाल के। ये वाली ऐड करते हैं, तो कहाँ ऐड करें, यहाँ पे करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। और यहाँ से इसको ना थोड़ा यहाँ कर देते हैं लेंस फ्लेयर को। ओ भाई ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, अब अच्छी लग रही है इमेज मेरे को तो। और ऐसे ही है बस, थोड़ी बहुत आप अपने सराउंड की कलर ग्रेड देख सकते हैं जैसी आपको अच्छी लगती है। मेरे को लाइक इस टाइप की कलर ग्रेड अच्छी लगी है। सो थैंक्स अ लॉट, आपने मेरे इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक देखा। सारी PNG डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना।